T20 विश्व कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को चित क्या किया? बहुत सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, अब यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत के पुल से, जिसमें पाकिस्तान भी है अमेरिका भी है, इस पुल से वो कौन सी दो टीमें होंगी जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी? क्या पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी? क्या होगा? कुल मिलाकर इस ग्रुप की स्थिति बहुत रोचक हो गई है। आज उसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तो 9 जून को होना है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है जब गुरुवार को अमेरिका ने पाकिस्तान को चित कर दिया। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब ये ग्रुप देख रहा था तो सभी ने यही सोच रखा था कि इस ग्रुप से भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन अपने प्रदर्शन से अमेरिका ने सभी को चौंका दिया है। पहले कनाडा के खिलाफ उसकी जीत बड़ी जीत रही क्योंकि बड़े स्कोर का वो पीछा कर रही थी, और फिर पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ उसने मुकाबला जीत लिया है। देखिए, पाकिस्तान की हार के कारणों पर आप जाएं तो जो एक डरपोक रवैया होता है वो बहुत हद तक जिम्मेदार रहा, क्योंकि देखिए टीम अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, फकर जमा हैं, इफ्तिखार हैं, गेंदबाजी में शाहिन शाह आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, तो बेहद मजबूत टीम है पाकिस्तान। लेकिन अपने टिमिड रवैये, मतलब अपने कायर वाले रवैये की वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है। जब पहले बैटिंग कर रही थी तो बाबर आजम रन तो उन्होंने बनाए, लेकिन उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा जैसे लग रहा हो कि वो T20 खेल रहे हैं। तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, 159 रन ही बना सकी 20 ओवरों में, और फिर अमेरिका को 159 के अंदर रोक नहीं सकी। अमेरिका ने भी 159 रन बना दिए। मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। अब समझिए कि जब सुपर ओवर में मुकाबला जाता है तो गेम प्रेशर पर आ जाता है, और उस वक्त लगा कि पाकिस्तान ये मुकाबला जीत लेगा क्योंकि उसके पास क्रिकेट का अपार अनुभव है। लेकिन हुआ क्या? पहले अमेरिका ने बल्लेबाजी की, मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे थे, पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया, सारा प्रेशर आमिर के ऊपर, और उसके बाद आमिर ने कई वाइड गेंदें फेंकी, नतीजा अमेरिका ने जो है वो 18 रन बना लिए। और जवाब में देखिए इफ्तिकार आए फखर जमा के साथ। होना क्या चाहिए था? फखर जमा को स्ट्राइक पे जाना चाहिए था, लेकिन फखर जमा स्ट्राइक पर गए ही नहीं, वो रनिंग एंड पर खड़े रहे और सामने से सारा खेल हो गया। इफ्तिकार आउट हुए, बाद में शादाब आए, लेकिन कुल मिलाकर वो 13 रन ही बन सका और अमेरिका ने मैच जीत लिया। अब अमेरिका की दो जीत हो गए तो अब इससे अमेरिका एक दावेदार हो गया है सुपर 8 में जाने का, तो खतरा बढ़ गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान को हरा देता है तो फिर एक तरह से पाकिस्तान के लिए सुपर 8 के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है अगर पाकिस्तान भारत को हरा देता है? तब ये ग्रुप और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वैसी परिस्थिति में भारत को अमेरिका को हर हाल में शिकस्त देनी होगी। तो पाकिस्तान के एक लचर प्रदर्शन ने पूरे ग्रुप को फंसा दिया है, हालांकि स्थिति बहुत रोचक बन गई है। भारत पाकिस्तान मुकाबला 9 जून को होना है, पूरी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है और तैयारी भी जोरों पर है। इन सब के बीच भारत ने जो पिच है उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में जिस तरह की पिच थी उस पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, क्योंकि अनइवन बाउंस था, और यही वजह है कि वहां पर रोहित शर्मा की बाजू पर आकर गेंद लगी थी जिसकी वजह से उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा था। यहां तक कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंद उन्हें भी आकर लगी थी, तो एक अनइवन बाउंस है और इसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूयॉर्क में मैच हो रहे हैं जहां मुकाबला खेला गया, वहां पर ड्रॉप इन पिचेस यूज किए जा रहे हैं जो एडिलेड से आए हैं, फिर
फिर वो फ्लोरिडा होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। 4 पिचेस बीच ग्राउंड में लगाई गई है, 6 पिचेस प्रैक्टिस के लिए मुहैया कराई गई है। तो इन पिचेस के साथ एडजस्ट करना आसान नहीं होता, और अगर वो पिचेस अगर अनइवन ही बाउंस ही दिखाती रही तो फिर पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला होगा उसमें बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें होंगी। हालांकि आईसीसी ने जो है वो आश्वासन दिया है कि पिचेस को देखा जाएगा और उसे ठीक किया जाएगा। हालांकि स्थान परिवर्तन तो नहीं होगा, मुकाबले जो है न्यूयॉर्क में ही खेले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए हम ठीक तैयारी कर रहे हैं कि पिचेस को कैसे ठीक किया जाए। तो कुल मिलाकर T20 विश्व कप जो है वो एक रोचक स्थिति में पहुंच गया है। इस विश्व कप का पहला बड़ा उलटफेर जो है वो अमेरिका की टीम ने किया, उसमें कई भारतवंशी खिलाड़ी हैं, और जिस गेंदबाज ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को हारने पर मजबूर किया वो ओवर फेंका था सौरभ नेत्रवालकर ने। और आपको बता दूं कि जो सौरभ नेत्रवालकर हैं उन्होंने अंडर 19 में इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेला है 2010 में। उस समय पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम खेला करते थे और उस समय भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई थी। और उस जो भारतीय टीम की बात अंडर 19 2010 की अगर हम बात करें तो उस टीम में केएल राहुल भी खेल रहे थे, हर्षल पटेल थे, जयदेव उनादकट थे। तो उस टीम के वो खिलाड़ी रहे हैं सौरभ नेत्रवालकर, और वो सूर्य कुमार यादव के अच्छे मित्र भी हैं, इंजीनियर हैं, तो वो मुंबई के लिए खेल चुके हैं। तो उस गेंदबाज ने पाकिस्तान को हराया। तो जो 2010 में विश्व कप में बाबर आजम के हाथों जो हार मिली थी उसका हिसाब उन्होंने चुकता किया है, भले ही भारतीय टीम के लिए नहीं किया लेकिन अमेरिकी टीम के लिए खेलते हुए वो जरूर जो है अपना एक सपना पूरा किया है, या हिसाब कह लीजिए कि वो चुकता किया है। तो अमेरिका एक ऐसी टीम बनकर उभरी है इस विश्व कप में जो उलटफेर कर सकती है, और इसी वजह से जो भारत का ग्रुप है वो जो है ग्रुप ऑफ डेथ जैसी स्थिति में पहुंच गया है। फिलहाल हम सब की नजर भारत पाकिस्तान के होने वाले मुकाबले पर है जो 9 जून को खेला जाएगा। हम भारतीय क्रिकेट टीम को अनेकों शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को एक बार फिर करारी शिकस्त देगी, क्योंकि T20 विश्व कप में जो भारत का रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन रहा है। तो उस रिकॉर्ड को कायम रखते हुए भारतीय टीम एक और जीत दर्ज करेगी और अपने लिए सुपर 8 की जगह सुनिश्चित करेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार,